मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता कमलनाथ के अधिकारियों और कर्मचारियों पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बहाने छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति पर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ जी आजकल कर्मचारियों को धमका रहे हैं, कहते हैं कि देख लूंगा, मिटा दूंगा, जांच करवा दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 महीने क्या कर रहे थे। ये धमकाने वाला अंदाज अलोकतांत्रिक है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ हैं, लेकिन ये बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। सीएम ने ये भी कहा कि कमलनाथ जी पहले घर को तो संभाल लीजिए, घर तो संभाल नहीं रहा, कर्मचारियों को धमकाने निकले हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, कांग्रेस इस समय बौखला गई है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। कमलनाथ जी आजकल कर्मचारियों को धमका रहे हैं, देख लूंगा, मिटा दूंगा, जांच करवा दूंगा, 15 महीने क्या कर रहे थे। ये धमकाने वाला अंदाज अलोकतांत्रिक है, अभारतीय है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन लगता है कि बुरी तरह बौखलाए हुए। मैं देख लूंगा, मैं कहता हूं पहले कांग्रेस पार्टी देख लो। छत्तीसगढ़ की निर्वाचित सरकार दिल्ली में परेड कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एमपी में भी लागू होगी। आज सत्र 2021-22 में ये नीति लागू होगी। ये साल ग्रेजुएशन में जो दाखिल होंगे बच्चे, उन छात्रों के लिए नए सत्र में उसी हिसाब से सिलेबस होगा। अगले चरण में सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्रों पर इसे लागू किया जाएगा। प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सर्टिफिकेट 1 साल, डिप्लोमा 2 साल और डिग्री 3 साल में मिल जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश सरकार की सराहना करता है और वो देश में सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ आज किया है। और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विद्यार्थी परिषद निरंतर लगी हुई है और देश भर में विद्यार्थी परिषद का मत है कि देश भर में जल्दी जल्दी सभी प्रांतों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू। नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में शुभारंभ कर दिया गया हुआ है। देश में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना जिसने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को स्वीकार किया है। ऐसे में छात्रों का क्या कहना है नई शिक्षा नीति को लेकर, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो है नई शिक्षा नीति में अहम बदलाव किए हैं उनको लेकर छात्रों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर अनिल लहरी है। मैं नई शिक्षा नीति को लेकर आपका क्या मानना है, क्या जानते हैं आप नई शिक्षा नीति के बारे में? नई शिक्षा नीति आने वाले जो युवा पीढ़ी रहेगी उसके लिए बहुत ही शिक्षित करने वाली रहेगी। ये क्या है कि जब छात्र 8वीं तक अपनी परीक्षाएं छोड़ देते थे या 8वीं पास करके अपना करियर दूसरे उसमें व्यापार में लगा देते थे, इस चीज़ से उसको ये फ़ायदा हुआ कि उनको 8वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे मान्यता प्राप्त रहेगी। इसी प्रकार उनको 10वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, इसी प्रकार उनको 10+ 11वीं का, 12वीं का, और फिर कॉलेज में जैसे 4 साल का अध्ययन करते हैं उसमें अगर 2 साल में अपना अध्ययन छोड़ देते हैं तो उन्हें 2 साल के डिप्लोमा के स्वरूप में या 1 साल में छोड़ देते हैं तो सर्टिफिकेट के स्वरूप में ही मिलेगा। इन चीज़ों से आने वाली भारत की जो विभिन्न भाषाएं हैं, भाषाओं के रूप में ज्ञान होगा, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा इन चीज़ों से, और बाकी अपन कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं शिक्षा नीति में उन सबसे अलग हटके एक नई आई है सामने। पहले भी ये कई बार प्रस्ताव रखा जा चुका था पर इसको मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 में अपनाया है। ये बहुत ही लाभदायक रहेगा आने वाली जनरेशन के लिए। मेरे साथ और भी छात्र यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नई शिक्षा नीति के लेकर उनके क्या विचार हैं, को लेकर क्या कुछ कहना है। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया जिस कारण ऑनलाइन एजुकेशन कई लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। जैसे कि जो विलेज एरिया में रहते हैं, गाँव जैसे जगह पर रहते हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इन सब चीज़ों के साधन नहीं है। तो छात्रों का कहना है कि नई शिक्षा नीति को लेकर कई सकारात्मक विचार भी है तो नकारात्मक विचार भी है। कैमरा पर्सन अंकित खत्री के साथ अनिल नागर, जनता टीवी भोपाल।
दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ हमारी संवाददाता लगातार जुड़ी हुई, एक बार फिर से उनका रुख करते हुए। दीपा, नई शिक्षा नीति से छात्रों को बहुत सारी उम्मीदें बंधी हुई है, ऐसे में किस हद तक आगे उनके शिक्षा की राह सहूलियतों भरे होने वाली है, क्या कहा जाए? जी, जिस तरह से कल भी ये बात कही गई थी शिल्पा की, कहीं ना कहीं जो छात्र संगठन है उनके द्वारा कहीं जिस तरह से अगर बात कही जाए तो कई जगहों पर उनका समर्थन किया जा रहा है और कई जगहों पर ये बात भी कही जा रही है कि कई त्रुटियां जो है उसमें है जिसमें अभी भी सुधार की जरूरत है। हालांकि एक जो ढांचा काफी लंबे समय से चला आ रहा था शिल्पा, निश्चित तौर पर अगर वो टूटता है तो काफी ज्यादा आसानी होगी और एक नया पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा, जिससे कि जो नई जनरेशन है उनको कोई, जिस तरह से हम देख पाते हैं कि समय के साथ जो चीजें हैं उनमें बदलाव होता रहता है, नीतियों में बदलाव होता रहता है, इसी तरह से यदि शिक्षा नीति जो उसमें भी यदि बदलाव होता तो निश्चित तौर पर कई नई चीजें जो है वो जो नई जनरेशन है उन्हें सीखने को मिलती है। इसके अलावा जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है, जहां हमने देखा है कि कोरोना काल में सभी लोगों ने ये चीज देखी है कि ऑनलाइन जो एक कहा जाए जो प्लेटफॉर्म है उसकी काफी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है, तो निश्चित तौर पर उसे शिक्षा नीति में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और निश्चित तौर पर इससे काफी ज्यादा बच्चों को आसानी भी होगी, क्योंकि हमेशा संभव नहीं होता है कि व्यक्ति एक जगह पर पहुंच पाए, तो ऐसे में जो ऑनलाइन एजुकेशन है उससे कहीं ना कहीं बच्चों को आने वाले समय में भी काफी ज्यादा कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। जैसे तौर पर कई इसके बेनिफिट और डाउट्स भी खड़े हो रहे हैं, जहां पर लोगों का बच्चों का ये भी कहना है कि त्रुटियां जिनको दूर करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। हालांकि जिस तरह से इतिहास को काफी ज्यादा एलाबोरेट करके बच्चों को बताया जाएगा, साथ ही साथ जो चीजें थी जिनकी जरूरत अब नहीं है उन्हें कहीं ना कहीं हटाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर दोनों ही पहलुओं पर काम करने की जरूरत भी थी। उसी तरह फिलहाल सरकार और हमारा शिक्षा विभाग आगे बढ़ता हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आके। भोपाल में आतंकी हमलों से निपटने के लिए एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल किया है। एनएसजी की टीम ने कई जगहों पर यह मॉक ड्रिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भोपाल पुलिस का बल भी तैनात रहा। मॉक ड्रिल के लिए एनएसजी कमांडो के तकरीबन 200 जवान भोपाल पहुंचे। राजधानी के अलग अलग संस्थानों में मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। विधानसभा, हमीदिया अस्पताल, मंत्रालय समेत अन्य स्थानों पर मॉक ड्रिल की जा रही है। इस दौरान स्थानीय पुलिस को किस तरह से ऐसे उत्पन्न होने वाले हालातों से निपटा जाए इसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी ड्रिल देखने के लिए वहां पहुंचे, कमांडो के साथ खड़े होकर भारत माता के जयकारे लगाए। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी सब होने के बावजूद भी उन्हें इस ट्रेनिंग की आवश्यकता तो महसूस प्रतीत होती है और इस दिशा में हम बातचीत करेंगे कि कभी, जैसे उन्होंने कहा भी है राणाडे जी ने, कि वो इसके लिए शिविर के लिए समय दे सकते हैं और उन्हें और आधुनिक बना सकते हैं, हम उस दिशा में भी बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान 2 में लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। दतिया के नगर का राजा का बाग पर बना टीकाकरण केंद्र लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। केंद्र को गुब्बारों से सजाया गया। जो लोग टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं वो लोग यहाँ पर और भी लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कि वो भी इस केंद्र पर आए और टीका लगवाए। टीकाकरण केंद्र पर नियुक्त किए गए सदस्य भी लोगों का पूरे सम्मान के साथ स्वागत करते हुए और उनका टीका करते हुए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय का भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअल रूप से शामिल हुए। अति विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर भी शामिल हुए। आज का दिन आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही शिक्षकों, अभिभावकों और उन सभी के लिए भी है जिन्होंने आपके जीवन में, जीवन को बनाने में अब तक योगदान दिया है। अपने माता पिता ने, अपने बड़े भाइयों के, अपनी बहन हो गई, जिन्होंने आपके जीवन में ये योगदान दिया है उसको भी याद रखना ये जरूरी है। मुझे हर्ष है कि अति पिछड़ी जनजाति के कल्याण के कार्य विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे हैं। उनके शैक्षणिक उत्थान के लिए ट्राइबल चेयर की स्थापना की जानी चाहिए।
देखिए, जीवाजी विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा है, यहाँ पे विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह हुआ। मेरा अपनी ओर से सभी दीक्षांत पाने वाले विद्यार्थियों के जीवन की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, और जितने अच्छे ढंग से गरिमापूर्ण तरीके से माननीय महामहिम और हम सब लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया है, उम्मीद करते हैं कि यह परंपरा कायम रहे। राज्यपाल जी ने एक महत्वपूर्ण बात करी कि लोग वर्तमान समय में उस शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, जबकि एक वक्त था कि बाहर से पढ़ने के लिए आते थे, क्या कमी नजर आती है उस शिक्षा में? नहीं, उनने तो इस बात के लिए कहा कि नई शिक्षा नीति है, वो सब बातें आई है कि बाहर के विद्यार्थी भी हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे। तक्षशिला नालंदा की तरह हमने वो सारी चीज़ों को देने का भविष्य में प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से नई शिक्षा नीति के लागू करने की बधाई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।